हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बे माय रिएक्शन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्वीट रिएक्शन होने वाला है। आज का जो मेरा रिएक्शन है वो गूगल रियूनियन ऐड के ऊपर होने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम पहले आ चुका है। और बट मैं अपने चैनल पे इसका रिएक्शन आज पहली बार करने वाली हूँ। सो एवरीबडी स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये जो रिएक्शन वीडियो है ये गूगल ऐड के ऊपर है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की रीयूनियन जो एक होता है दो लोगों के बीच में, उसके ऊपर है। सो गाइस, बाकी बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले देखते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। बट उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप अपनी रिएक्शन रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे और मेल भी कर सकते हैं। मेल और इंस्टा पे मैं आपका इजीली रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। सो एनफ ऑफ द टॉक, नाउ लेट्स स्टार्ट अ रिएक्शन वीडियो क्विकली। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यारसी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झजरिया चुरा के खानी। झजरिया? मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, फाजल स्वीट्स। हाँ जी। दादा जान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो यूसुफ अंकल। कौन जी? मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झजरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ जी बड़ी आजादी। कागजों के कश्तियों में डूब रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे ना जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, यूसुफ वही, वो है यूसुफ, वो तेरे पल्लू, वो है, हाँ, यूसुफ है यार। Wow guys, this was really really what should I say, sweet, and this was really emotional kind of a reunion ad, जिससे आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं देखते देखते। आई विल से इतनी खूबसूरती से इस ऐड को बनाया है गूगल ने।
कि दो दोस्तों के बीच की जो यू नो रिलेशन दिखाई है, एक पाकिस्तान में है एक इंडिया में है, यू नो पार्टीशन के टाइम दोनों, पार्टीशन से पहले दोनों इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यू नो दे यूज टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और पार्टीशन के बाद वो लोग बिछड़ गए एक दूसरे से. सो यू नो दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग. यू नो आई थिंक तो उनकी ग्रैंड डॉटर उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करती है, एंड दिस सरप्राइज वॉज रियली रियली सो स्वीट, सो टचिंग. यू नो व्हेन ही रिकॉल्स ऑल दोज मेमोरीज विद हिज फ्रेंड, तो आई विल से कि यू नो ये जो पूरा एड है ये इतना अच्छा मैसेज दे रहा है सबको, इतना खूबसूरत एड था ये. यू नो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो यू नो रिलेशन है, जो पुराने रिलेशंस हुआ करते थे, काफ़ी लोग होंगे जिनकी यू नो फैमिलीज के कुछ लोग या फ्रेंड्स कुछ पाकिस्तान में रह गए होंगे पार्टीशन के टाइम, कुछ इंडिया में हैं, तो आई विल से यू नो द बॉन्ड इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. भले ही यू नो दो कंट्रीज जो हैं वो डिवाइड हो गई हैं, बट स्टिल जो यू नो अपनापन है, जो इमोशंस हैं, वो जो फीलिंग है, जो पुरानी यादें हैं, वो तो कभी भी यू नो फेड नहीं हो सकती. यू नो वो हमेशा आपके दिल के करीब रहेंगी, और आप उनको जब भी यू नो रिकॉल करते होंगे तो इमोशनल हो जाते होंगे. जैसे जब वो दोनों फ्रेंड्स मिलते हैं आपस में, तो यू नो इट वॉज रियली इमोशनल. And it was actually really emotional. I will say that this ad was really touching. You know, it really touched my heart. And you know, I just wish that India and Pakistan ke beech mein, you know, jo bhi unmanned chalti rehti hai, wo jaldi sort out ho. Kyunki main hamesha kehti hu, bhale countries ke beech mein, you know, ye chal raha ho, but logon ke beech mein abhi bhi ek dusre ke liye pyar hai, purani friendships, purane relations. You know, they can never die. Especially emotions can never die, so we can very much relate. क्योंकि हम सब के यू नो कुछ ना कुछ या तो रिलेटिव या फ्रेंड्स अभी भी यू नो कुछ के इस कंट्री में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो इस कंट्री में वो उस कंट्री में हैं. गाइज आई विल से यू नो नो मैटर व्हाट हैपेंस ये बॉन्ड तो कभी नहीं टूट सकता. एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस एड, आप लोग जाके देखिए ये एड, और यू नो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो इंडिया में हैं, उनको फॉरवर्ड करिए, उनको भी दिखाइए, तो यू नो दे विल फील रियली टच्ड. एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड दैट यू शेयर विद योर क्लोज्ड वंस. सो गाइस आई विल से आई एम रियली टच्ड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, गिविंग माय रिएक्शन ऑन इट. दिस वाज वर्थ डिजर्विंग. एंड यू नो आई गॉट दिस सजेशन फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. So I would like to, you know, thank him. That, you know, I will say hats off to Google, you know, for creating such amazing content, which really, you know, touches you to the core of your heart. Guys, this was my today's reaction. अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो रेड वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब का, और लाइक भी कर दीजिएगा. So guys, that's about it for today. See you in the next video with another reaction. Till then, stay home, stay positive, stay healthy, and keep watching my channel. Bye-bye.